हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है भी, हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन कवर करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है ना। क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात आगे ना समझ में। चलिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मेलिक अम्ल से ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल के निर्माण में कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है। मेलिक अम्ल से ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल के निर्माण में कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है। मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, फ्यूमेरेज एंजाइम, सिट्रिक अम्ल, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मेलिक अम्ल से ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल के निर्माण में कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, क्रेबस चक्कर में होता है, क्रेबस चक्कर में होता है कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा, यानी क्रेबस चक्कर में होता है, तो क्रेबस चक्कर में कीटो ग्लूटेरिक अम्ल होता है भी, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, कीटो ग्लूटेरिक अम्ल पाया जाता है क्रेबस चक्कर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एटीपी का अभिप्राय है, एटीपी का अभिप्राय है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा एटीपी का अभिप्राय है, तो वो हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, क्रेबस चक्कर में बनने वाला पहला एकमात्र 5 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है। क्रेबस चक्कर में बनने वाला पहला 5 कार्बन परमाणु वाला यौगिक कौन सा है। ऑक्सिलो सक्सिनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, कीटोग्लूटेरिक अम्ल, सिस एकोनिटिक अम्ल। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, ठीक है। क्रेबस चक्कर में बनने वाला पहला एकमात्र 5 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होगा वो हो जाएगा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। संपूर्ण क्रेबस चक्कर में एकमात्र 5 कार्बन वाला अम्ल बनता है ये, ठीक है ना, कीटोग्लूटेरिक अम्ल वाला, ओके। चलिएगा 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पेंटोज फॉस्फेट पथ में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है। पेंटोज फॉस्फेट पथ में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है, 50, 36, 8, 40। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 36 अणुओं का निर्माण होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोशिका में जो पेंटोज है फॉस्फेट पथ में जो ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीकरण से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका में क्रेबस चक्कर कहाँ संपन्न होता है। कोशिका में क्रेबस चक्कर कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, कोशिका द्रव्य में। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा, कोशिका में जो क्रेबस चक्कर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्रेबस चक्कर की सभी अभिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है, और इसके द्वारा जो पाइरुविक अम्ल, वसा अम्ल व वसा एमिनो अम्ल का ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है,
ओके चलिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, पानी पी लेता हूं। सात नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेबस चक्र के बीच कौन सी योजक कड़ी है? ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेबस चक्र के बीच कौन सी योजक कड़ी है? पाइरुविक अम्ल, एसिटाइल को एंजाइम ए, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेबस चक्र के बीच में योजक कड़ी बतानी है कौन सी है, तो एसिटाइल को एंजाइम ए ये है वो योजक कड़ी के रूप में काम करती है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेबस चक्र के बीच में जो योजक कड़ी के रूप में काम करती है एसिटाइल को एंजाइम ए ये योजक कड़ी के रूप में काम करती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पाइरुविक अम्ल के एसिटाइल को एंजाइम ए रूपांतरण कहा जाता है, यानी पाइरुविक अम्ल के एसिटाइल को एंजाइम ए रूपांतरण कहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में, कोशिका द्रव्य में, मैट्रिक्स में। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मैट्रिक्स में, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पाइरुविक अम्ल के एसिटाइल को एंजाइम ए रूपांतरण है वो मैट्रिक्स में होता है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH प्लस H पॉजिटिव के दो अणु यदि मेलेट एस्पार्टेट शटल के द्वारा ETS में प्रवेश करते हैं तो इनसे कितने अणु ATP के बनेंगे? ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH प्लस एच पॉजिटिव के दो अणु यदि मेलेट एस्पार्टेट स्टेल के द्वारा ETS में प्रवेश करते हैं तो इनसे कितने अणु ATP के बनेंगे? 4, 2, 8, 6। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 रहेंगे, यानी 6 ATP अणु बनेंगे, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है कोशिका की सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, कोशिका की सर्वाधिक ऊर्जा मुद्रा कहलाती है DNA, AMP, ATP, RNA। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कोशिका की सर्वाधिक ऊर्जा मुद्रा कहलाती है वो कहलाएगी ATP, ठीक है, ATP कहलाएगी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ATP संश्लेषण का रासायनिक प्रसरणी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ATP संश्लेषण का रसायन प्रसरणी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पीटल मिशेल ने, वेंडा ने, वॉटसन व क्रिक ने, विजमान ने। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा पीटर मिशेल ने, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ATP संश्लेषण का रासायनिक प्रसरणी सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो पीटर मिशेल ने प्रस्तुत किया था। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण के केमियोस्मोटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण के केमियोस्मोटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ग्रिब्बस ने, क्रेबस ने, डिकनस ने, प्रिस्टल मिशेल ने। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पीटर मिशेल ने, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण के केमियोस्मोटिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो पीटर मिशेल ने किया था, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जीव द्रव्य श्वसन में श्वसन क्रियाधार होता है, जीव द्रव्य श्वसन में श्वसन क्रियाधार होता है शर्करा, वसा, प्रोटीन्स, ऑप्रोक्सवी। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोटीन्स, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जीव द्रव्य श्वसन में श्वसन क्रियाधार होता है प्रोटीन्स होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किण्वन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी?
किण्वन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुईस पाश्चर ने, पीटर मिशेल ने, क्रेबस ने, गिब्बस ने। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा किण्वन की खोज सर्वप्रथम लुईस पाश्चर ने की थी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, लुईस पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किण्वन क्रिया होती है, किण्वन क्रिया होती है समस्त कवकों द्वारा, समस्त जीवाणुओं द्वारा, कुछ कवक व कुछ जीवाणु द्वारा, समस्त सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा, यानी किण्वन क्रिया होती है वो कुछ कवक व कुछ जीवाणुओं द्वारा होती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, किण्वन क्रिया होती है तो कुछ कवक व कुछ जीवाणुओं द्वारा होती है, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी, ठीक है ना। सुबह आपने 10 बजे बायोलॉजी की क्लास रहती है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन कवर करवाए जा रहे हैं, शाम 7 बजे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास रहती है उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन कवर करवाए जा रहे हैं, तो इन दोनों क्लासों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। बात आगे समझ में चलिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है शासन में मुक्त होने वाले, श्वसन में मुक्त होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रयुक्त होने वाले ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, श्वसन में मुक्त होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात कहलाता है, श्वसन गुणांक, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा श्वसन गुणांक कहलाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, श्वसन में मुक्त होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रयुक्त होने वाले ऑक्सीजन के आयतनों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो श्वसन गुणांक कहलाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, किस का श्वसन गुणांक एक होता है, किसका श्वसन गुणांक एक होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और मांसल पादप। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, किसका श्वसन गुणांक एक होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक है वो एक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसमें श्वसन गुणांक का एक से कम होता है, किसमें श्वसन गुणांक एक से कम होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वसा में, वसा का जो श्वसन गुणांक होता है वो एक से कम होता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो श्वसन गुणांक होगा वो एक होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक एक और वसा का श्वसन गुणांक एक से कम होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है किसमें श्वसन गुणांक शून्य होता है, किसमें श्वसन गुणांक शून्य होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, मांसल पादप। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मांसल पादप, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, मांसल पादप का श्वसन गुणांक शून्य होता है, ठीक है, एक से कम होगा वसा का और एक होगा वो होगा जो एक होगा वो कार्बोहाइड्रेट का होगा, ठीक है, और शून्य होगा वो होगा मांसल पादप का। बात आगे समझ में, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसमें श्वसन गुणांक अनंत होता है, किसमें श्वसन गुणांक अनंत होता है, ग्लूकोज, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वसा। तो 20 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ा गए हैं, देखिएगा ग्लूकोज सही है, अवायवीय श्वसन होगा, वायवीय श्वसन होगा और वसा होगी। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अवायवीय श्वसन में, अवायवीय ये जो श्वसन नाम है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, अवायवीय श्वसन में। तो किसमें श्वसन गुणांक अनंत होगा, अवायवीय श्वसन में जो श्वसन गुणांक होता है वो अनंत होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके,
और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बात आ गई ना समझ में? लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, श्वसन गुणांक का मापन यंत्र होता है, श्वसन गुणांक का मापन यंत्र होता है गेनाग श्वसन मापी, ऑक्सीनोमीटर, रेस्पिरोमीटर, पोटोमीटर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा श्वसन गुणांक का मापन यंत्र होता है तो वो हो जाएगा गेनाग श्वसन मापी होगा, ठीक है ना, गेनाग श्वसन मापी यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्रेबस चक्कर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्रेबस चक्कर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सिट्रिक अमल चक्कर के नाम से, ट्राई कार्बोक्सिलिक अमल चक्कर के नाम से, ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्रेबस चक्कर को सिट्रिक अमल चक्कर के नाम से भी जाना जाता है और ट्राई कार्बोक्सिलिक अमल चक्कर के नाम से भी जाना जाता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा यानी ए व बी दोनों, सिट्रिक अमल चक्कर और ट्राई कार्बोक्सिलिक अमल चक्कर, इन दोनों के नाम से हम क्रेबस चक्कर को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 बनते हैं, NADH2 बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं, 3, 2, 4, 5। तो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बनते हैं वो दो बनते हैं अभी, ठीक है, दो बनते हैं यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने है, क्वेश्चन है स्थिति के आधार पर विभाज्योतक को कितने भागों में बांटा गया है, कंडीशंस के आधार पर विभाज्योतक को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 4, 2, 6। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 भागों में यानी 3 भागों में बांटा गया है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। शीर्षत विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक और पार्श्व विभाज्योतक, इन 3 भागों में बांटा गया है कंडीशंस के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस विभाज्योतक के कारण पौधे की लंबाई एवं शाखाओं में वृद्धि होती है, किस विभाज्योतक के कारण पौधों की लंबाई एवं शाखाओं में वृद्धि होती है, अंतर्वेशी विभाज्योतक, शीर्षत विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शीर्षत विभाज्योतक के नाम से जाना जाता है यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, शीर्षत विभाज्योतक के नाम से यानी जाना जाता है, और शीर्षत विभाज्योतक के कारण ही पौधे की लंबाई और शाखाओं में वृद्धि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है पादप हार्मोन को कितने वर्गों में बांटा गया है, पादप हार्मोन को कितने वर्गों में बांटा गया है, 5, 4, 6, 3। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है पादप हार्मोन को, ठीक है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन्स है और वृद्धि रोधक है, ये 4 भाग होते हैं पादप के, पादप हार्मोन को 4 भागों में बांटा गया है, पहला भाग है ऑक्सिन, दूसरा भाग है जिब्रेलिन, तीसरा भाग है साइटोकाइनिस और चौथा भाग है वृद्धि रोधक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है, निम्न में से वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है, एबीसीसी कमल, साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन, एथिलीन। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एबसिसिक अमल है, एबसिसिक अमल वो वृद्धि अवरोधक हार्मोन है यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि प्रबंधक हार्मोन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, उपरोक्सबी। तो वृद्धि प्रबंधक हार्मोन है वो हो जाएंगे उपरोक्सबी, ऑक्सिन है ये भी तो वृद्धि प्रबंधक हार्मोन है, जिब्रेलिन्स है ये भी वृद्धि प्रबंधक हार्मोन हो जाएगा, और साइटोकाइनिन्स है ये भी
वृद्धि प्रबंधक हार्मोन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, साइटोकिनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनेंस है वो पादप हार्मोन होगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सिन की खोज किसने की थी, ऑक्सिन की खोज किसने की थी, वेंट, बॉयसन, जेनसन, चार्ल्स डार्विन, वॉटसन। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑक्सिन की खोज है वो वेंट ने की थी, FW वेंट ने, ठीक है ना, वैज्ञानिक का नाम है FW वेंट ने ऑक्सिन की खोज की थी, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्सिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, ऑक्सिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, ऑप्शन आपके सामने है जर्मनी, ग्रीक, फ्रांस, अमेरिकन। 31 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रीक भाषा में हुई है, ठीक है ना, ग्रीक भाषा में हुई है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑक्सिन से हुई है, ग्रीक भाषा का शब्द है ऑक्सिन से हुई है, ऑक्सिन शब्द की, और जिसका अर्थ होता है टू ग्रो यानी वृद्धि करना, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले किस पादप हार्मोन की खोज हुई थी, सबसे पहले किस पादप हार्मोन की खोज हुई थी, जिब्रेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। 32 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सिन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबसे पहले किस पादप हार्मोन की खोज हुई थी, तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज हुई थी, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शीर्षत प्रभाविता पाई जाती है, शीर्षत प्रभाविता पाई जाती है, जिब्रेलिन्स के कारण, साइटोकिनिन के कारण, ऑक्सिन के कारण, इथाइलिन के कारण। तो 33 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सिन के कारण, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। शीर्षत प्रभाविता पाई जाती है तो ऑक्सिन के कारण पाई जाती है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से ऑक्सिन के कार्य हैं, निम्न में से ऑक्सिन के कार्य हैं, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना, कोशिका का दृढ़ीकरण करना, फसली पौधों को गिराने से बचाना, उपयुक्त सभी। तो ऑक्सिन का जो कार्य होता है वो होता है कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है, कोशिका का दृढ़ीकरण करना और फसली पौधे हैं उनको गिराने से बचाना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है, कवकनाशक, एमिनो अम्ल, ऑक्सिन, एंजाइम। तो इंडोल एसिटिक अम्ल है वो ऑक्सिन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑक्सिन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है, यह पत्तियों का विलग्न रोकता है, यह खरपतवारों को नष्ट कर देता है, इसके कारण पौधों में सिर्फ प्रमुखता हो जाती है, या उपरोक्त सभी। तो ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही होगा, तो वो हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है, यह पत्तियों के विलग्न को रोकता है, ये सही है, यह खरपतवार को नष्ट करता है, ये भी सही है, और इसके कारण पौधों में सिर्फ प्रमुखता हो जाती है, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है किस पादप हार्मोन के छिड़काव से एनिसेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से एनिसेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से हम एनिसेक फल प्राप्त कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। ऑक्सिन पादप हार्मोन है जिसके छिड़काव से हम एनिसेक फल प्राप्त कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एबिसिसिक अम्ल। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो वो होगा ऑक्सिन हार्मोन है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिसके पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन होगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किससे रोका जा सकता है? फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किससे रोका जा सकता है? साइटोकिनिन के कारण, ऑक्सिन के कारण, जिब्रेलिन के कारण, इथाइलिन के कारण। तो हम उसे ऑक्सिन के कारण रोक सकते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हम उसे ऑक्सिन के कारण रोक सकते हैं, बात आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाशानुवृत्ति संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवृत्ति संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, साइटोकिनिन। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है। प्रकाशानुवृत्ति संचलन है वो हम ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आलू आदि के पौधों में सुप्त कलिकाओं को सुप्तावस्था में ही बनाए रखने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? आलू आदि के पौधों में सुप्त कलिकाओं को सुप्तावस्था में ही बनाए रखने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन। तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, जिब्रेलिन नामक हार्मोन की खोज किसने की थी? जिब्रेलिन नामक हार्मोन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, कुरोसावा, होरी, याबुता, हमासी। तो 42 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कुरोसावा ने जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की थी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, और ये जापानी वैज्ञानिक था भी। और कुरोसावा ने फ्यूजेरिक प्रजाति के कवक से की थी, ठीक है ना। जिब्रेलिन नामक हार्मोन की जो खोज की थी वो कवक से की थी, और कौन सा कवक था, कौन सी प्रजाति का था? फ्यूजेरिक प्रजाति का था, फ्यूजेरिक प्रजाति का कवक था, उसमें कुरोसावा ने जिब्रेलिन नामक हार्मोन की खोज की थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से बोने पौधों को लंबा करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? आनुवांशिक रूप से बोने पौधों को लंबा करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, अभी आनुवांशिक रूप से बोने पौधों को लंबा करने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस हार्मोन के कारण पौधों में प्रसुप्ता को नष्ट किया जा सकता है? किस हार्मोन के कारण पौधों में प्रसुप्ता को नष्ट किया जा सकता है? साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जिब्रेलिन, यानी जिब्रेलिन हार्मोन के कारण पौधों में हम प्रसुप्ता को नष्ट कर सकते हैं,
यानी सी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साइटोकिनिन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? साइटोकिनिन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वोन ओवर बिक ने, हेबरलैंड ने, वाटसन ने, क्रेबस ने? तो 45 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा हेबरलैंड ने, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साइटोकिनिन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो हेबरलैंड ने किया था, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम बताओ। कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम बताइएगा, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन। तो 46 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने का काम करता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी, ठीक है। कौन सा हार्मोन, 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन जीर्णता को विलंबित करता है? कौन सा हार्मोन जीर्णता को विलंबित करता है? जिब्रेलिन, इथाइलिन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हार्मोन है वो जीर्णता को विलंबित करता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा हार्मोन लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है? कौन सा हार्मोन लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है? एथिलीन, जिब्रेलिन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है तो वो होता है इथिलीन भी होता है और जिब्रेलिन भी होता है। तो ए और बी यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों, इथिलीन भी होगा और जिब्रेलिन भी होगा, ठीक है। चलेगा 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? इथाइलिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इथाइलिन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इथाइलिन हार्मोन है जो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पत्तियों, फूलों और फलों के विलंगन परत के निर्माण में कौन सा हार्मोन उत्तेजित होता है? पत्तियों, फूलों और फलों के विगलन परत के निर्माण में कौन सा हार्मोन उत्तेजित होता है? साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इथाइलिन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पत्तियों, फूलों और फलों के विलंगन परत के निर्माण में कौन सा हार्मोन उत्तेजित होता है? तो आपका राइट आंसर होगा इथाइलिन हार्मोन है वो उत्तेजित होता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पास शेयर कर देना, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास मिल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।